Hi guys, good evening everyone. Welcome to the session where I will be talking about the most coveted thing that the students want to know, expected exam date of RBI 2023. Now before telling you the expected exam date, हम एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू पे बात कर लेते हैं कि आरबीआई के एग्जाम की प्रिपरेशन करने में कितना टाइम लगता है. सो इज इट रेलिवेंट फॉर अस टू इवन टॉक अबाउट द एग्जाम डेट और नॉट, पहले वो समझना जरूरी है. यहां पे मुझे एमएस धोनी की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन याद आ रही है एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव सीन इन मल्टीपल ऑफ हिज वीडियोस. तो मुझे लगा कि ही इज ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज जो कि हम लोगों तक पहुंच नहीं रहा है. वी आर नॉट यूजिंग इट. And in his multiple videos, he's talked about this one thing. Focus on the process, not on the result. Aur unhone saaf saaf bola hai that this is something that I kept telling myself whenever I was in a mix, whenever I was in a challenging situation. And that is why I could be a successful wicketkeeper, a successful captain for Indian team. और मुझे जब ये रियलाइज हुआ मल्टीपल वीडियोस देख के, देन आई थॉट यार ही इज ट्राइंग टू सेंड अस अ मैसेज. फोकस ऑन द प्रोसेस, डू नॉट फोकस ऑन द रिजल्ट. योर माइंड विल ऑलवेज टेल यू फोकस ऑन द रिजल्ट, फोकस ऑन द रिजल्ट, लुक फॉर द रिजल्ट. बट यू हैव टू टेल योर सेल्फ अगेन एंड अगेन, गो थ्रू द ग्राइंड, फोकस ऑन द प्रोसेस. वॉट इज द प्रोसेस हेयर? लेट्स कम बैक टू आरबीआई एग्जाम. आपका गोल है आरबीआई एग्जाम को क्लियर करना. वॉट इज द प्रोसेस हेयर दैट यू हैव टू गो थ्रू इन ऑर्डर टू क्लियर द एग्जाम? ESI, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज की तैयारी करोगे, इट टेक एनीवेयर बिटवीन 30-40 डेज. फाइनेंस, इफ यू कवर इट अलोंग विद ESI, लेट्स से मॉर्निंग ESI एंड नाइट फाइनेंस, अगेन 40 डेज. कंबाइंड दोनों को मिनिमम 40 डेज चाहिए ही चाहिए. व्हेन यू आर कवर्ड डन विद ESI एंड फाइनेंस, देन लेट्स से यू स्टार्ट विद मैनेजमेंट. मॉर्निंग मैनेजमेंट एंड नाइट क्वांट एंड रीजनिंग और one of these subjects. Management will take at least 40 days. Quant and reasoning together will also take another 40 days. Dono saath mein karoge, 40 days gone. 40 plus 40, 80 days gone in covering ESI, finance, management, quant and reasoning. English is easier for majority of the students preparing for RBI. For some it is difficult. Wahan pe zyada time lagega. Let's say 5 to 10 days for English. Current affairs is difficult. The first reading will require anywhere between 30-40 days. 10 din ke baad aapne morning mein bhi current start kar diya aur evening mein bhi current start kar diya. So you're taking another 30 days to cover current affairs and English. Coming to revision part. So this is the entire syllabus that you're done with once along with current affairs. Ye sab cover karoge, uske baad aap karoge start revision or tests. रिविजन नंबर वन विल टेक एनी वे बिटवीन 30-40 डेज. नॉर्मली 40 दिन आपके या एक महीना लग जाएगा रिविजन में. वी आर रिवाइजिंग द एंटायर सिलेबस वंस अगेन अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स. रिविजन नंबर टू इज एक्सपेक्टेड टू टेक और शुड आइडियली टेक हाफ ऑफ द टाइम टेकन इन रिविजन नंबर वन. तो 20 दिन आपके रिविजन नंबर टू में लग जाएंगे. टेस्ट, यहां पे मैंने खाली MCQs लिए हैं, फेज वन एंड फेज टू बोथ, जिसमें 20 दिन आपके चले जाएंगे. 10 डेज फॉर फेज वन, 10 डेज फॉर फेज टू. बट इफ यू एड आंसर राइटिंग एंड एसे राइटिंग एज वेल, तो उसमें भी एडिशनल आपके 10 से 20 दिन लगेंगे. ठीक है ना? अगर हम इन्हीं को लें 40 डेज, 20 डेज एंड 20 डेज, तो हमारे हो गए टोटल 190 डेज. 190 डेज इज इक्विवेलेंट टू 6 प्लस मंथ्स. 6 महीने में 180 डेज के आसपास होते हैं. तो 6 महीने आपको चाहिए ही चाहिए इफ यू वांट टू प्रिपेयर वेल फॉर द अपकमिंग आरबी एग्जाम. ये एक बहुत ब्रॉड टाइमलाइन है जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, सरपास नहीं कर पाओगे, बिलीव मी. इतना समय आपको चाहिए ही. ये एक प्रोसेस है एंड यू हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस. यू देयर आर नो शॉर्टकट्स टू इट. एज एमएस धोनी सेड, डू नॉट फोकस ऑन द रिजल्ट एंड द रोड टू सक्सेस ऑलवेज लाइज विद द प्रोसेस. ये एक प्रोसेस है, ये एक 180-190 दिन की साइकिल है, साइकिल ऑफ 190 डेज दैट यू हैव टू गो थ्रू. ऑफकोर्स इफ यू आर लेट्स से फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, सो योर फाइनेंस इज डन, यू कैन रिवाइज इट इन 10 डेज. यूर यूपीएससी एस्पिरेंट, एडिशनली ESI इज डन. यूर फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, मैनेजमेंट भी पढ़ा होगा, मैनेजमेंट इज ऑल्सो डन. यूर ऑल्सो साइमल्टेनियसली यूपीएससी एस्पिरेंट, क्वांट एंड रीजनिंग इज डन. ऑटोमेटिकली इंग्लिश इज डन. करंट अफेयर्स भी काफी अच्छा है. So you're done with majority of the syllabus already. Now these are outliers. आप ऐसे नहीं हो. You're an average student जिसको ये grind के through जाना चाहिए और जाना पड़ेगा. You have to go through this if you want to make sure
100% आप सर्टेनिटी चाहते हो दैट यू वॉन्ट टू एंड यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन बिकॉज द सक्सेस रेट इज वेरी लो द कॉम्पिटिशन इज वेरी हाई. सर्टेनिटी आपको बढ़ानी है एंड दैट विल हैपन ओनली थ्रू द प्रोसेस. अगर एमएस धोनी सोचता है यार ये सब तो मेरे को आता है और रिकी पॉन्टिंग इतना अच्छा कैप्टन है, ही इज सच अ गुड प्लेयर, ही इज गॉट सो मेनी वर्ल्ड कप ट्रॉफीज फॉर ऑस्ट्रेलिया, लेट मी ट्राई एंड फोकस ऑन द वर्ल्ड कप ट्रॉफीज ओनली, लेट मी ट्राई एंड डू व्हाट ही डिड. बट ही वुड नॉट हैव बीन सक्सेसफुल इफ ही हैड फॉलोड और कॉपीड रिकी पॉन्टिंग बिकॉज उसका एक अपना प्रोसेस था. ही वेंट थ्रू एन अनदर प्रोसेस, ही वेंट थ्रू हिज ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग. इफ एम एस धोनी हैड कॉपीड हिम, ही वुड नॉट हैव सक्सीडेड एट ऑल. So his idea after all of his experience was that whenever you are in a challenging situation, whenever you want to take a shortcut and focus on the result, come back, focus on the process. Process ye hai, is pe focus kariye. If you are a very good aspirant, very bright student, UPSC wale ho, ya phir saath mein bank wale ho, banker ho, with finance and management background, use this time of 6 months, revise not 2 times but 10 times. ठीक है ना, अपनी सीट पक्की करिए आरबीआई में. डू नॉट प्ले विद योर करियर बाय गोइंग आफ्टर समथिंग दैट नोबडी नोज अबाउट, दैट इज प्योर स्पेक्यूलेशन. फिर आप गैम्बल कर रहे हो अपनी लाइफ से, अपने करियर से और अपने दिमाग से. ओके, सो दिस वाज व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट. देयर इज अनदर वीडियो व्हिच इज कनेक्टेड टू सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स, आई बटन में उसका ऊपर डाल रहा हूं. दैट इज अबाउट हाउ टू डीकोड द सिलेबस ऑफ आरबीआई. बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें मैंने बताया है इफ यू प्रिपेयरिंग बाय योरसेल्फ, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आरबीआई के सिलेबस को कैसे डीकोड करना है बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट विद योर प्रेप. इफ यू हैव टेकन एनी कोर्स और एनी गाइडेंस प्रोग्राम तब भी उसको यूज कर सकते हो, बट यू नीड नॉट स्पेंड सो मच टाइम ऑन दैट स्ट्रैटेजी. बट स्पेसिफिकली इफ यू आर प्रिपेयरिंग बाय योरसेल्फ, देन यू नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द स्ट्रैटेजी दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दैट वीडियो. If you have anything to talk about, if you want me to talk about something, if you want to discuss something with me, if you have any questions, you can put it in the comment section below. Or agar ye video pasand aaye, you like the way I teach, you like the way I talk, you like the way I talk about different issues related to these examinations, then do not forget to like the video as well. All the best guys, take care, bye bye, Jai Hind.